एक आपके जैसे ही युवा लड़का एक संत के पास गया और बोला, महाराज मुझे गुरु बनाना है, आप बताइए किसको बनाऊं। तो महात्मा ने कहा कि बेटा मैं कुछ पहचान बता देता हूं, ऐसा संत तेरे को मिल जाए तो उसे गुरु बना लेना। बोले क्या पहचान है? बोले देखो, पीपल के वृक्ष के नीचे बैठा होगा, उसके पीछे एक आभा मंडल घूम रहा होगा, शांत वातावरण होगा और मंद सुगंध जो है एक सुगंध जैसी फैली होगी, और ऐसा संत तेरे को जहाँ मिल जाए उसको तुम गुरु बना ले। तो अब वो खोजता रहा, भटकता रहा, कहीं शहरों में, कहीं गांव में, कहीं जंगलों में, कहीं नदियों के किनारे, कहीं पहाड़ों में, कहीं गुफाओं में, और वो खोजते उसको 12 वर्ष लगे। हमारे यहाँ काल की गणना में 12 वर्ष को एक काल की में उसमें 12 वर्ष को एक मापदंड माना गया, छोटा सबसे पूर्णत्व का। तो 12 वर्ष उसको लगे पूरे, और 12 वर्ष के बाद देखा कि वही माहौल जैसा संत ने बताया ना, वैसा ही माहौल एक जगह दिखाई दिया उसको। तो एकदम से चरणों में पड़ गया, अरे गुरुदेव मेरे तो पैरों में छाले पड़ गए, कपड़े फट गए, आपको ढूंढते और 12 साल के बाद आज टकराए हो, और मैं अब आपके चरण नहीं छोड़ने वाला। उन्होंने कहा चरण बाद में पकड़ना, पहले ऊपर उठ के तो देख। ऊपर उठ के देखा तो वही संत थे जिन्होंने वो बताया था। अरे महाराज, जब आप ही थे तो उसी दिन मेरे शरण में ले लेते। उन्होंने कहा था तो मैं ही, लेकिन तेरे पास दृष्टि नहीं थी, वो दृष्टि तुझे 12 साल की खोज में मिली है। तो गुरु तो यही है, कहीं भी मिल सकते हैं, हमारे पास दृष्टि होना चाहिए। आप बाजार में दुकान में टीवी खरीदने जाते हैं तो जितने दुकान में टीवी रखे हैं वो सब बिकने के लिए हैं, तो सबको कोई ना कोई ले जाएगा, लेकिन सबको तो आप नहीं लाते ना, उनमें से कोई एक आप पसंद करते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो 99 बेकार हैं। एक आप लाते हैं तो इसका तात्पर्य ये नहीं है कि वो 99 बेकार हैं, लेकिन जो आपने लिया आपके लिए वो श्रेष्ठ है। ऐसे ही संतों का भी है, गुरु का भी है। हमारी दृष्टि में कौन सही है ये हमें तय करना पड़ेगा। ये गुरु तय नहीं करेगा कि कौन शिष्य सही है, ये हमें तय करना पड़ेगा। और यही गड़बड़ होती है, हम भीड़ तंत्र का हिस्सा बन जाते हैं। जहाँ भीड़ जा रही है हम उसका हिस्सा बन जाते हैं, और फिर ठगे जाते हैं, तो दोष देते हैं संत को।